Hey, you lovely people. Whenever we think of interiors, हम एकदम से घबरा जाते हैं. हमें समझ नहीं आता कि हम शुरुआत कहाँ से करें. हम सोचते हैं कि हमें फ्लोरिंग से शुरुआत करनी है, कि हम सीलिंग कैसी करें, हम पेंट कैसा करें, हम फर्नीचर कहाँ से लाएं. एंड वी गेट लॉस्ट. और हमें फिर सबसे ज़्यादा डर लगता है कि पता नहीं हमारा कितना खर्चा होने वाला है. बट दैट्स नॉट द केस. यू आर वॉचिंग स्पेसिस गो प्लेसेस विद सरीना. Hi, I'm Sarina Aneja, architect and interior designer with 32 years of experience in interiors. आप मेरे साथ यहाँ पे एक जर्नी में हो जिसमें हम बात करेंगे इंटीरियर्स की. एंड वी विल टॉक ऑल अबाउट फ्लोरिंग्स, ऑल अबाउट सीलिंग्स, फर्नीचर, पेंट्स, एवरीथिंग. शुरुआत कहाँ से करनी है और एंड कैसे करना है इसका. हम जो लॉस्ट हो जाते हैं और इतने पैसे खर्च कर देते हैं और हमें समझ ही नहीं आता और फिर भी हमारे को एक सेटिस्फैक्शन नहीं मिलती. सो आई एम गोइंग टू टीच यू हाउ टू गेट स्टार्टेड, वे टू स्टार्ट एंड हाउ टू एंड दिस होल थिंग. एंड यू विल लर्न सो मच हियर. वी विल टॉक ऑफ हाउ टू सेव कॉस्ट. जो हम इतना पैसा खर्च करते हैं और हमें फिर भी उसका रिजल्ट नहीं मिलता एंड देन वी कीप गोइंग रनिंग अराउंड बिकॉज आवर फोकस इज नॉट देयर. यू नो, इंटीरियर्स इज ऑल अबाउट अ मूवी, अ स्टोरी, जिसमें एक एक्टर होता है, एक एक्ट्रेस होती है, एक डायरेक्टर होता है और एक स्टोरी होती है. हम स्टोरी तो बना लेते हैं पर हम ये भूल जाते हैं कि उस एक्टर का रोल क्या है उस स्टोरी में. हम वो एक्टर को याद नहीं रखते एंड देन वी मेक अ मेस विद ऑल द थिंग्स दैट वी डू. सो होल्ड माई हैंड, वॉच दिस सीरीज ऑफ स्पेसेस गो प्लेसेस विद सरीना एंड वी लर्न एज वी गो अलोंग how to do well-defined interiors, how to make your space beautiful, how to live a good, fulfilled, beautiful life which nourishes your soul, because I personally believe you deserve it and you're worth it. So keep watching Spaces Go Places with Sarina. जब हम इंटीरियर्स की बात करते हैं तो हमें बहुत कुछ सोचना पड़ता है. हमारे पास एक रूम होता है और हम उसमें सब चीज़ फिट इन करने की कोशिश करते हैं. अगर हम लिविंग रूम डिज़ाइन कर रहे हैं या हमने अपना लिविंग रूम का इंटीरियर करना है तो हम कहते हैं उसमें सोफे लगा दो, उसमें कारपेट लगा दो, उसमें टेबल लगा दो. पर हम ये भूल जाते हैं सबसे पहले एक स्पेस होती है और हम उस स्पेस में चीज़ें फिट इन करने की कोशिश करते हैं. बट उस चीज़ों को फिट इन करने के लिए हमें सबसे पहले एक थीम, एक स्टोरी सोचनी होती है जो आपने सदियों से सुनी होगी. एनी इंटीरियर डिज़ाइनर, एनी आर्किटेक्ट को वो सबसे पहले आपसे पूछता है कि भाई आपका थॉट प्रोसेस क्या है, व्हाट इज़ इट यू वांट टू रिप्रेजेंट, व्हाट इज़ इट दैट यू नो फील हैप्पी अबाउट, व्हाट इज़ इट दैट रिफ्लेक्ट्स योर पर्सनालिटी. ये हमने सदियों से सुना है. अब अगर आप खुद करना चाह रहे हो ये सब कुछ, सो हाउ डू यू गेट स्टार्टेड ऑन दिस. आपको सबसे पहले अपनी जो आपको पसंद है चीज़ें, आपकी जो पर्सनालिटी है, यू वांट योर इंटीरियर्स टू बी अ रिफ्लेक्शन ऑफ योर सराउंडिंग्स, ऑफ योर सोल एंड वॉट एवर यू फील एज अ पर्सन. बट ये भी हम सोच लेते हैं उसके बाद हमें शुरुआत कहाँ से करनी है, तो हम उसमें लॉस्ट हो जाते हैं. और हम सोफे भी ले आएंगे, हम टेबल भी ले आएंगे, हम चेयर्स भी ले आएंगे एंड इट विल ऑल बी परफेक्ट अकॉर्डिंग टू अस, बट not perfect according to how the ambience it should be or the picture it gives to somebody who comes or to ourselves, and then we feel not satisfied with the whole thing. Hame kya karna hai isme, hame kaise shuruaat karni hai. We are going to talk of colors, of textures, of fabrics, of floorings, of ceilings, weight to paint. Okay, हमें एक एम्फोसिस करना है ऑन यू नो द इंटीरियर इज लाइक गोइंग फ्रॉम होल टू द स्मॉल, दैट इज आर्किटेक्चर. इंटीरियर इज फ्रॉम गोइंग फ्रॉम द स्मॉल टू द होल. हम उल्टा करते हैं, हम स्पेस तो ले आते हैं और उसके अंदर फिर हम चीज़ें फिट इन करने की कोशिश करते हैं एंड दैट इज वेयर वी मेक अ मेस ऑफ द होल थिंग. हमें एक इस स्टोरी में एक हीरो को ढूंढना है, एक एक्टर को ढूंढना है, एक एक्ट्रेस को ढूंढना है जो हमारा मेन फोकस है और उसके अराउंड हमने ये पूरी स्टोरी बिल्ड करनी है. यू आर द डायरेक्टर ऑफ दिस होल स्टोरी, बट आप शुरू कैसे करो और इसको ख़त्म कैसे करो, इसमें
इतनी सारी चीजें इन्वॉल्व है, हमारी सब कुछ सिंक्रोनाइज होना चाहिए. सो दिस इज वेयर वी स्टार्ट दिस एंड दिस इज वेयर यू होल्ड माई हैंड एंड यू टू लर्न एवरीथिंग हियर. अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं आप हमें भेजिए ओवर दिस ईमेल एड्रेस. वी विल ट्राई टू आंसर ऑल योर क्वेश्चंस. अगर आपको कोई टॉपिक है जो आप मेरे से बात करना चाहते हो, विच यू वॉन्ट मी टू एड्रेस एंड यू वॉन्ट अ सोल्यूशन टू इट, आई विल हेल्प यू फाइंड अ सोल्यूशन टू दैट. स्टे ट्यून्ड हियर. वी आर गोइंग टू लर्न अ लॉट ऑफ अबाउट अ लॉट ऑफ प्रोडक्ट्स. वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट अ लॉट ऑफ प्रोडक्ट्स, सम वेरी नाइस थिंग्स इन द मार्केट दैट यू डोंट नो अबाउट, which will help you do up your homes in a perfect fashion. Hum aapko do's and don'ts batayenge. I've also learned making lots of mistakes. Ek do nahi, bahut sari galtiyan karke seekhe hain in 32 saalon mein. And itna experience hai and I want you to gain knowledge from my mistakes, my experiences. So hum log discuss karenge yahan pe over the series. What is it that we should do? What is it that we should not do? What should be the price of a product? Humse contractor kya charge kar raha hai? Overprice to nahi kar raha? Hume fleece to nahi kar raha? I'm going to help you evaluate ki is cheez ki kya cost honi chahiye karwane ki, so that you can save money. Aapka paisa bahut precious hai. Don't let it go waste. And then use it wisely on things which are important. Interiors ko ek focus karke chalke हम किस तरह से उसको खूबसूरत बना सकते हैं विद द लीस्ट मिनिमम कॉस्ट. दैट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट. एंड आपका घर भी सुंदर लगे, आपका एनवायरनमेंट सुंदर हो, विच गिव्स यू हैप्पीनेस इज व्हाट माय एम इज. सो स्टे ट्यून्ड एंड कीप वॉचिंग स्पेसेस गो प्लेसेस विद सरीना.